वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हम कुछ मेरा कबूतर का नज़ारा आज आप लोगों को हम शेयर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बेहतरीन क्वालिटी का जो पंजाबी मलवाई कबूतर, और यहाँ पे मेरा जो काला आपका आंध्रा टिप्लर कबूतर, यहाँ पे भी मलवाई, और यहाँ पे भी देखिए एक ही ब्लड लाइन का वो टिप्लर कबूतर है। और ये चारों जो जोड़ी है, ये सब कबूतर का जो अंडा होता है हम यहाँ पे फॉस्टरिंग करते हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चे भी है, कुछ एडल्ट भी है। ये देखिए, ये मेरा जो फुल सिरा ब्लड लाइन का जो लाल सिरा कबूतर है, सब लाल सिरा कबूतर का बच्चा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी मेरा जो लाल सिरा कबूतर है, ये सब लाल सिरा कबूतर का बच्चा। और सभी कबूतर का पैर में पक्का छल्ला लगा हुआ है चक्रवर्ती बर्ड फार्म का, और चक्रवर्ती बर्ड फार्म जो भी काम करते हैं वो ऑथेंटिक्स के ऑथेंटिक काम करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा मलवाई का बच्चा, और यहाँ पे वो जो काला वाला जो टिप्लर कबूतर है वो आंध्रा ब्रीड का, बहुत उड़ान है कबूतर के अंदर, ये उसके बच्चा है। यहाँ पे मेरा जो रामपुरी कबूतर जो उस्ताद गनी साहब से लेके आए थे उसका एक बच्चा है, और उसका मेल है ये और ये फीमेल है। तो सभी कबूतर हेल्दी और फ्रेंड भी है। ये मेरा ब्रीडिंग वाला लॉफ्ट कबूतर का, गर्मी का उड़ान भी आ रहे हैं तो वो भी हम दिखाएंगे। गर्मी में हम कबूतर का पर खींच के रखा हूँ, तो आप तो जानते हैं हम उड़ाने वाला आदमी हैं, तो देखा जाए इस साल क्या रिजल्ट आता है। ठंड में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, 5 इनाम लगे थे मेरे। तो चलिए वो भी लॉक्ट आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है हमारा फीमेल वाला जो लॉक्ट है, और इस लॉक्ट के अंदर ये देखिए मेरा लाल सिरा जो फीमेल बैठा हुआ है, उसके पास मलवाई, वो भी एक मलवाई कबूतर है। ये है ऊपर में जो मेरा काला का टिप्लर कबूतर बैठा हुआ है, नीचे में मेरा लाल सिरा मलवाई, यहाँ पे भी काला का टिप्लर कबूतर बैठा हुआ है, और एक देसी कबूतर भी है रामपुरी। ये सब काला का कबूतर है। ये देखिए लाल सिरा कबूतर मेरा, थोड़ा सा हम आँखों का भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम येलो आइस में। और नीचे में भी मेरा कुछ कबूतर पर खींच के मैं रखा हूँ। ये मेरा फीमेल वाला लॉक है, हम ज़्यादा कबूतर नहीं रखते क्योंकि कबूतर ज़्यादा हो गया तो मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए जो भी ऑथेंटिक कबूतर है उसको हम चुन चुन के रखते हैं उड़ाने के लिए। और ज़्यादा जोड़ी भी नहीं है मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम अपना जो मेल का जो लॉक है वहाँ पे जाते हैं। ये मेरा मेल का लॉक है, यहाँ पे भी जो कबूतर का पर खींच के रखा था कुछ पर आ गया, इनके अंदर कुछ नहीं आया। ये भी मेरा वो टिप्लर ब्लड लाइन का कबूतर है। वहाँ पे देखिए मेरा लाल सिरा कबूतर बैठा हुआ है, ये सभी बच्चे हैं। और यहाँ पे मेरा पीलांग का कबूतर जो ठंड में बहुत अच्छा उड़ान भरे थे, और सभी कबूतर नीचे में भी कुछ बर्ड कबूतर बैठा हुआ है, सब कबूतर का पर नहीं आया। यहाँ पे एक रामपुरी का मेल भी है, कुछ देसी कबूतर। यहाँ पे देखिए मेरा मलवाई जो कबूतर है,
ये देखिए मलबाई कबूतर, यहाँ पे भी देखिए एक मलबाई कबूतर बैठा हुआ है। खड़ान देखिए कबूतर का बच्चा, तीन कली का बच्चा है। तो 8, 9, 10 मैंने खींचा हूँ गर्मी का उड़ान के लिए। वहाँ पे मेरा वो लल सिरा एक नर बैठा हुआ है। सब मैं एक ही ब्लड लाइन का मेंटेन करते आया हूँ और सभी कबूतर जो है बहुत अच्छा क्वालिटी के है, देख सकते हैं। बहुत दिनों से कबूतर का वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बनाया मैं। ये मलवाई कबूतर का नर को देखिए कितना बड़ा साइज है। ये जो लाल लाल जो नर है, पैरों में फेदर है, देख सकते हैं। यहाँ पे टेडी भी है मेरा। मुझे ज़्यादा नस्लें पार निकलने का शौक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पहले टाइम पे जब मैं कबूतर करता था, पहली बार शुरू किया था, टेडी और रामपुरी ये सब कबूतर लेके आए थे। तो अभी तक भी है मेरे पास। ये भी वो काला का बच्चा है। बहुत उड़ान है कबूतर में, ठंड में तो वही कबूतर सब ओवर हो गया, फिर भी 5 इनाम लगा था मेरा। मैं टोटल 4 से 6 टूर्नामेंट उड़ाया था कलकत्ता में। जो भी टूर्नामेंट था 11 कबूतर से मैं शुरू किया था, सभी कबूतर में मैं कबूतर उड़ाया था और सभी में मैं हिस्सा लिया था। देखिए सभी कबूतर बहुत अच्छे हैं, कुछ अभी तक आया नहीं, कुछ दिन के बाद आ जाएगा। तो भाई गर्मी का उड़ान आ रहा है, तो देखा जाए एक कबूतर क्या रंग लाता है। ये हमारा जो शेर खान बैठा हुआ है, इसको हम प्यार से जो फुलसिरा कबूतर है जिसको हम शेर खान कहते हैं, ये एक्चुअली कपल लेडी का कबूतर है, नर है। ये मेरे पास अंधरा से बच्चा आया था। बहुत उड़ान है, बहुत उड़ान। ठंड में तो रात को 8 बजे 10 बजे कबूतर बैठा है लाइट में। ये पूरा आप देख सकते हैं हमारा कबूतर का लॉक और ये है कबूतर का जाली। तो गर्मी आ रहा है भाई, अपने कबूतर और अपने बेजुबान इस परिंदे को थोड़ा अच्छे से रखिए और इसको ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। कबूतर कभी भी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं, ठीक ठाक रखिए।